मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 7 साइंस, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। टुडेज टॉपिक इज ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। वी नो दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट्स सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करती हैं? वाटर और मिनरल्स। बट मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इनटू द एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उससे कहीं ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है। किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसपीरेशन। हाउ ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स? इन प्लांट्स द वाटर रिक्वायर्ड इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ओस्मोसिस। स्टूडेंट्स देखिए, प्लांट्स में जितना भी पानी की ज़रूरत रहती है वो रूट हेयर के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब होती है। ये प्रोसेस कहलाती है ओस्मोसिस। द वाटर इज फर्दर ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द स्टेम टू द लीव्स थ्रू जाइलम विच एक्ट्स एज अ पाइपलाइन। स्टूडेंट्स देखिए, वाटर स्टेम से लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम वेसल के थ्रू, जो एक पाइपलाइन की तरह काम करती है। जाइलम सेल्स हैव थिक वॉल्स। वाटर देन एंटर्स इन मेसोफिल सेल थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा आर ओपनिंग्स ऑन द लीव सरफेस थ्रू विच ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गॉड सेल्स विच हेल्प द स्टोमेटा टू ओपन एंड क्लोज। ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कब होती है? दिन के समय में, जब स्टोमेटा कैसे होते हैं? ओपन। ट्रांसपीरेशन इज ऑल्सो डन थ्रू लेंटिसेल्स विच आर माइन्यूट ओपनिंग ऑन द स्टेम। लेंटिसेल्स आर लेस इन नंबर कंपेयर टू स्टोमेटा। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम द लीव सरफेस। लीव्स आर कवर्ड बाय अ वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिकल विच इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स कैन टेक प्लेस बाय थ्री वेज। फर्स्ट बाय स्टोमेटा, सेकेंड थ्रू लेंटिसेल्स, थर्ड फ्रॉम लीव सरफेस। ट्रांसपीरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स एज ट्रांसपीरेशन पुल हेल्प्स वाटर राइजिंग टू द लीव्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीजेज एज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इफ ट्रांसपीरेशन इज मोर देन एब्जॉर्प्शन द प्लांट विल लूज इज rigidity and this will lead to drooping of leaves, stems and flowers. Thanks children.